गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मोहन वर्मा, आप सभी का स्वागत है SV एग्जाम क्लासेज में। आज हम लोग CTET, JTET, UPTET और STET की EBS की क्लास देखने वाले हैं। EBS में आज का टॉपिक होगा जल। जल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए हम लोग इसको टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे, देखेंगे। तो इस क्लास में हम लोग जल के बारे में क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले जल का सामान्य परिचय देखेंगे, जल का गुण को देखेंगे, जल का स्रोत एवं वितरण को देखेंगे, जल के सामान्य प्रकार को देखेंगे, जल की कठोरता इसके बारे में देखेंगे, जल का महत्व एवं उपयोग के बारे में देखेंगे, जल प्रदूषण इसके बारे में देखेंगे, फिर जल जनित रोग और जल संरक्षण, मतलब जल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं सभी को हम लोग देखने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए होता क्या है, कभी कभी लोग कन्फ्यूजन कर जाते हैं। क्या कन्फ्यूजन करते हैं, भारी जल और जल, इसके बीच में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको भारी जल के बारे में कुछ बातें बता दूं। भारी जल और जो सामान्य जल है ये दोनों में अंतर होता है। जहां सामान्य जल, साधारण जल का अनुसूत्र H2O होता है, वहीं भारी जल का अनुसूत्र D2O होता है। D2O देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। साधारण जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, जबकि भारी जल में हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम, ये जो डी आप देख रहे हैं ड्यूटेरियम और ऑक्सीजन है। भारी जल कैसे प्राप्त होता है, साधारण जल और इस साधारण जल को क्या करना है, विद्युत अपघटन करना है। जब इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो भारी जल आपको प्राप्त होगा। ये भारी जल का सूत्र है। साधारण जल का वैद्युत अपघटन करने के बाद भारी जल प्राप्त होता है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम से बना हुआ है, इसका अनुसूत्र D2O होता है। अब ये भारी जल का प्रयोग कहाँ पर हम लोग करते हैं। सामान्य जल जो है, साधारण जल सभी लोग जान रहे हैं, सामान्य जल हम लोग खाने पीने, वस्त्र धोने, सिंचाई, बहुत सारे चीज़ों में करते हैं। लेकिन जो भारी जल है इसका उपयोग मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका उपयोग होता है। किस रूप में होता है, मंदक के रूप में। कहाँ पर, नाभिकीय रिएक्टरों में, जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं वहाँ पर मंदक के रूप में, जो नाभिकीय रिएक्टरों में अभिक्रियाएं होती है उस अभिक्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग होता है। तो हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि भारी जल और साधारण जल अलग अलग होता है। भारी जल D2O, साधारण जल H2O, ठीक है। चलिए अब हम लोग साधारण जल के बारे में बात करते हैं। साधारण जल एक प्राकृतिक संसाधन है। साधारण जल क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। साधारण जल एक रासायनिक यौगिक है। साधारण जल क्या है, रासायनिक यौगिक, और इस रासायनिक यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग हुआ रहता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसीलिए साधारण जल का अनुसूत्र H2O होता है। रासायनिक यौगिक में
हम लोग जानते हैं कि हमेशा अनुपात निश्चित होता है। अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है, वो कभी बदलता नहीं है। तो कोई भी आप पानी ले लीजिए, किसी भी स्रोत का पानी ले लीजिए, किसी भी स्रोत का, चापाकल, नदी, तालाब, समुद्र, झरना, कहीं का भी आप ले लेंगे, हर जगह हाइड्रोजन दो भाग में और ऑक्सीजन एक भाग में उपस्थित रहेगा। इसलिए जल का अणुसूत्र H2O होता है। आगे देखिए, जल के अवयव कौन कौन हुए? हमने देखा H2O इसका अणुसूत्र है, तो जल के अवयव हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होंगे। जल में कोई गंध नहीं होता, इसलिए जल को गंध रहित कहा गया है। जल में कोई स्वाद नहीं होता, इसलिए जल को स्वाद रहित कहा गया है। न जल में कोई गंध है, न जल में कोई स्वाद है, कोई भी नहीं है। न गंध मिलेगा आपको, न स्वाद मिलेगा आपको, इसलिए जल को गंधहीन और स्वादहीन बताया गया है। प्राकृतिक रूप में जल गैस के रूप में, द्रव के रूप में और ठोस के रूप में पाया जाता है। गैस हो गया जल वाष्प, द्रव हो गया पानी जो हम लोग पीते हैं, ठोस हो गया बर्फ। तो प्राकृतिक रूप में जल तीनों रूप में पाया जाता है, गैस में भी, द्रव में भी और ठोस में भी। यदि हम जल की मात्रा की बात करें तो प्राणियों में जल की मात्रा 65% होता है। प्राणियों में जल की मात्रा कितनी होती है? 65% के लगभग होता है, 65% के लगभग। किसी किसी में ज़्यादा होता है, जैसे स्टार फिश ले लीजिए जो समुद्र में पाया जाता है, उसमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो सामान्यतः प्राणियों में जल की मात्रा 65% बोला जाता है। पेड़ पौधों में जल की मात्रा 65 से 99% होता है, उसमें भी किसी में कम जल होता है, किसी में जल की मात्रा अधिक होता है। तो ये निश्चित नहीं है कि किस पौधा में कितना रहेगा, ये पौधा पर निर्भर करेगा। तो पेड़ पौधों में जल की मात्रा कितनी होगी? 65 से 99%। यदि हम बात करें मानव शरीर की, किसकी बात करें? मानव शरीर की, तो मानव शरीर में जल की मात्रा 60 से 65% होता है। जल की मात्रा कम होने से क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। मनुष्यों में यदि जल की मात्रा कम हो जाए तो डिहाइड्रेशन होता है। तो मानव में जल की मात्रा कितनी होती है? 60 से 65%। अब हम मानव के जो अंग हैं, अलग अलग अंग, उस अंग की बात करेंगे। हम बात करते हैं मस्तिष्क की। मस्तिष्क में कितना प्रतिशत होता है? 85%। रक्त में 79%, फेफड़ा में 80%, हड्डी में 22%, त्वचा में 20%। ये मनुष्य के जो अलग अलग अंग हैं, अलग अलग अंग में पानी की मात्रा अलग अलग होता है। जैसे दांत देखिए, दांत में इससे भी कम पाया जाता है, दांत में पानी इससे भी कम रहता है। हड्डी में देखिए 22% है, त्वचा में 20% है। तो सब में अलग अलग पानी की मात्रा होती है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए रिवीजन क्या करेंगे, आप लोग बताएंगे, कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले जल क्या है? जल एक प्राकृतिक संसाधन है, जल एक यौगिक है जिसका अणुसूत्र क्या है? H2O है। लेकिन यदि भारी जल की बात कहा जाए तो भारी जल का अणुसूत्र D2O होता है। भारी जल का अणुसूत्र D2O होता है, ठीक है? भारी जल, तो भारी जल D2O। जल की मात्रा की हम बात करें तो सभी जितने भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, सभी में अलग अलग मात्रा में जल पाया जाता है। लेकिन यदि हम बात करें सामान्यतः तो पेड़ पौधा में
पेड़ पौधा में 65 से 99%, प्राणियों में 65% और मानव के शरीर में 60 से 65% जल पाया जाता है। तो हम लोगों ने भी ये देखा। अब चलिए हम लोग जल के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। जल का क्या क्या गुण होता है। सबसे पहले हम लोग देखें हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु जल का कितना है। देखिए जिस अवस्था पर जल जमने लगता है, बर्फ में बदलने लगता है, जल की एक अवस्था द्रव है। द्रव से बर्फ बनना, जिस तापमान पर द्रव बर्फ में बदलता है, ठोस में बदलता है, उसी को हम हिमांक बिंदु कहते हैं। तो ये होता है 0 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग हिमांक बिंदु कहेंगे। हिमांक बिंदु कितना हुआ जल का? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी इसी तापमान पर द्रव अवस्था वाले जल ठोस अवस्था वाले बर्फ के रूप में बदलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका क्वथनांक। क्वथनांक कितना है? क्वथनांक यानी जिस तापमान पर द्रव उबलने लगेगा, उबलने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं क्वथनांक बिंदु। और ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री को हम लोग क्वथनांक बिंदु के नाम से जानते हैं, जल का क्वथनांक बिंदु। यदि हम बात करें बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा, यानी 1 ग्राम बर्फ को पिघलने में लगने वाला ऊर्जा क्या कहलाता है? बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा। तो 1 ग्राम बर्फ को पिघलने में 80 कैलोरी या 336 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी या 336 जूल कह सकते हैं। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जल का घनत्व कितना होता है। आप देखेंगे द्रव यानी जो जल है वो भारी हो जाता है और बर्फ हल्का हो जाता है। ये ठोस है फिर भी ये हल्का होता है। क्यों? क्योंकि जब द्रव यानी पानी जमने लगता है तो ये फैलता है। क्या होता है? फैलता है। इस कारण, फैलने के कारण ठोस रूप जो बर्फ का रूप है वो हल्का होता है और पानी का रूप जो द्रव का रूप है वो भारी होता है। आप लोग देखेंगे कि पानी और बर्फ है तो पानी के ऊपर में बर्फ रहता है, तैरता है। इसका कारण क्या है? बर्फ हल्का है और पानी भारी है। जो भारी चीज़ें होता है वो नीचे चला जाएगा, जो हल्का चीज़ें हैं वो ऊपर आएगा। तो हल्का है बर्फ तो बर्फ ऊपर रह जाएगा और भारी है पानी तो पानी नीचे रह जाता है। अब आ जाइए ठंडे दिनों की बात को। ठंडे दिनों में जब नदियां तालाब जम जाती हैं, यानी विशेष करके आप चले जाइए ठंडे प्रदेशों में, तो ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि पानी का ऊपरी परत बर्फ बन जाता है, जम जाता है, लेकिन पानी के नीचे तापमान कम नहीं हो पाता है जिसके चलते वो जमता नहीं है। देखिए इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये ऊपर है बर्फ का चट्टान, बर्फ का चादर फैला हुआ, ये बर्फ है और नीचे पानी, नीचे क्या है? पानी है। पानी का तापमान 4 डिग्री रहता है और बर्फ का तापमान
जीरो डिग्री होता है। जब तालाब का पानी जम जाता है फिर भी उसमें मछली अंदर अंदर जीवित रह जाता है, उसका कारण क्या है कि पानी का ऊपरी भाग ही जमता है, नीचे का भाग जमता नहीं है, वो पानी का पानी जैसा, द्रव का द्रव जैसा रहता है। तो नीचे में मछली वगैरह जीवित रहता है, जो भी जलीय जीव है वो जीवित रहेगा, लेकिन बर्फ के ऊपर, ये पानी के ऊपर में बर्फ का चट्टान पड़ा हुआ रहता है। जैसे यहाँ चित्र में आप लोग देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर एक हॉल किया गया, छेदा किया गया और यहाँ से मछली निकाला जा रहा है। तो ऊपर में आप यहाँ देख रहे हैं बर्फ है और ये बर्फ का पूरा चट्टान है, लेकिन नीचे में क्या है, पानी है, नीचे में पानी है, वो पानी बर्फ में बदला हुआ नहीं है। तो ये ऊपर में बर्फ और नीचे में पानी ही रहता है, इसी कारण बर्फीले दिन यानी जब बर्फबारी होता है, जब नदी तालाब का या झील का पानी का ऊपरी भाग जम जाता है, फिर भी मछलियां नीचे तैरते हुए रह जाती हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब पानी जमता है तो फैलता है, जब पानी जमता है तो क्या होता, फैलता है। देखिए ये यहां पर आप लोग दो बोतल देख रहे होंगे, दो बोतल देख रहे होंगे, इस बोतल में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसी को आप फ्रिज में रख दीजिए। आप फ्रिज में रख देंगे और जब ये ठंडा होकर के बर्फ बनेगा तो ये पानी फैलेगा, पानी क्या होगा, फैलेगा, लेकिन ऊपर का जो कांच है वो कांच तो नहीं फैलेगा, केवल अंदर का चीज फैलेगा, पानी फैलेगा। जब पानी फैलेगा तो क्या होता है, ये जो पानी का बोतल है वो टूट जाता है। पानी जब बर्फ के रूप में बनती है तो वो फैलता है, और इसी फैलाव के कारण ये टूट जाता है, क्योंकि ये कांच तो फैला नहीं, जो शीशा है वो शीशा तो फैला नहीं, लेकिन पानी फैल रहा है तो क्या होगा, फूटेगा ही। जैसे बैलून, देखिए बैलून को एक सीमा तक आप फुला सकते हैं, और इस सीमा के बाद यदि और हवा डालेंगे, जितना फैलना था वो फैल गया, और उसमें हवा डालते जाएंगे, हवा डाल रहे, हवा डालते जाएंगे, क्या होगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा, फूट जाएगा। तो इसी तरह से इसमें भी होता है, ठीक है। तो पानी जमने के बाद क्या होता है, फैलता है। चलिए अब हम यदि तुलना करें साधारण जल का और लवणीय जल का, साधारण जल का और लवणीय जल का, ठीक है, साधारण जल और लवण वाला जल, साधारण जल का घनत्व कम होता है लेकिन लवण वाला जल का घनत्व अधिक होता है। लवण वाला जल किसको कहेंगे, जिसमें नमक मिलाया हुआ जल है। दो गिलास लीजिए, दो गिलास लीजिए, ठीक है, दोनों में पानी डाल दीजिए, बराबर बराबर पानी डाल दीजिए। इस गिलास में कुछ नहीं डालना है, केवल पानी, और इसमें पानी के बाद नमक घोल दीजिए, क्या घोलना है आपको, नमक घोल दीजिए। उसके बाद दोनों में एक कप नींबू डालिए, नींबू, बिना नमक वाला पानी, बिना नमक वाला पानी, इसमें नमक नहीं है, इसमें नमक नहीं है, तो क्या होगा, इसमें नींबू सीधे डूब जाएगा, लेकिन इसमें नमक है तो इसमें नींबू ऊपर में तैरेगा, नींबू ऊपर में क्या होगा, तैरेगा। क्यों, इसका घनत्व तो अधिक हो गया, इसका घनत्व अधिक हो गया, जब घनत्व अधिक हो गया तो डूबने नहीं देता है,
लेकिन इसका घनत्व कम है जिसके कारण डूब जाता है। आप लोग मृत सागर का नाम सुने होंगे जो जॉर्डन में है, मृत सागर बहुत खारा है, बहुत ज्यादा खारा है। उस खारे पानी में यदि आदमी को फेंक दिया जाए तो डूबेगा नहीं। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा है। हमारा शरीर से घनत्व उसका क्या है? ज्यादा है। ज्यादा घनत्व के कारण आदमी उसमें डूबेगा नहीं, वो तैरने लगेगा। क्या होगा? ऊपर में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो यहां पर आपको समझना है कि कोई भी जो साधारण पानी है उसका घनत्व कम होगा, लेकिन यदि हम उसमें नमक मिला दें तो क्या बन जाएगा? लवणीय पानी, और लवणीय जल का घनत्व तो अधिक हो जाएगा। देखिए यहां पर मैं इसीलिए लिख दिया हूं, मृत सागर सर्वाधिक लवणीय, और यही कारण है कि नमक पानी में नींबू तैरता रह जाता है। अब जल एक विलायक के रूप में, जल जो है ना बहुत सारे चीजों को विलय कर देता है, घोल देता है, अनेक यौगिकों को घोलने की क्षमता जल में होता है, बहुत सारा चीज। जो जल है, जल में ऑक्सीजन और क्या चीज, हाइड्रोजन घुला हुआ रहता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन घुला हुआ रहता है। आप लोग देखते होंगे जो एक्वेरियम होता है, मछली घर होता है, मछली घर में एक पाइप लगा होता है, एक पाइप लगा होता है, और इस पाइप के द्वारा बुलबुला, यहाँ पर बुलबुला ऐसे आता है। ये बुलबुला किसका रहता है जानते हैं? ऑक्सीजन का। क्योंकि इसमें जो मछली है, इस घर में जो मछली है, इसको क्या चीज चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो ऑक्सीजन जा रहा है ये जल में घुल जाता है, और वो मछलियाँ घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। किसको ग्रहण करती है? घुले हुए, जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। ठीक है, घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। तो समझ में आ गया। आज हम लोग बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल प्रदूषण की बात करेंगे, और जो टॉपिक छूट रहे हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक बार फिर से रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, स्पीड से रिवीजन कर लेंगे, ताकि जो चीज़ें छूट गया होगा वो दिमाग में फिर से आ जाएगा। सबसे पहला चीज़ हो गया कि जल एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं? जो प्रकृति के द्वारा हमारे लिए उपयोगी चीज है वो प्राकृतिक संसाधन हो गया। जैसे कोयला, हवा, ये सब प्राकृतिक संसाधन है, तो जल भी प्राकृतिक संसाधन है। ये रासायनिक यौगिक है, जल को हम यौगिक कहेंगे, मिश्रण नहीं कहेंगे। जल क्या है? यौगिक है, मिश्रण नहीं है। इसका अणुसूत्र क्या है? H2O। जल का अणुसूत्र H2O। अब जल में ही एक चीज आता है, भारी जल, भारी जल जिसका अणुसूत्र होता है D2O। ये हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम के द्वारा बनता है। जब साधारण जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो विद्युत अपघटन करने के बाद भारी जल प्राप्त होता है, और भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, जल में कौन कौन से अवयव पाए जाएंगे? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अवयव पाए जाएंगे। जल गंधरहित होता है, स्वाद रहित होता है। प्राकृतिक रूप में जल गैस, द्रव और ठोस अवस्था में पाया जाता है। प्राणियों में जल की मात्रा कितना हमने बताया था आप लोगों को? 65% होता है। पेड़ पौधों में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 99% तक। मानव में जल की मात्रा कितनी होती है? 60 से 65% तक होती है। हमारा शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनमें भी मात्रा, पानी की मात्रा अलग अलग होती है। मस्तिष्क में 85%, रक्त में 79%, फेफड़ा में 80%, हड्डी में 22%, त्वचा में 20%। इतना पानी हमारे अंगों में होता है।
जल की गुण की बात करें तो जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री होता है। इस तापमान पर जल ठोस में परिणत होता है, ठोस में बदलने लगता है। यदि हम क्वथनांक बिंदु की बात करेंगे तो क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री होता है। जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री इस तापमान पर जल उबलने लगता है, खौलने लगता है। बर्फ का गलन की गुप्त ऊष्मा यानी जिस तापमान पर, जिस ऊर्जा पर, यानी जितना ऊर्जा 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में लगता है उसको गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और यह होता है 80 कैलोरी 300, यदि हम जूल में बोलेंगे 336 जूल, यदि कैलोरी में बोलेंगे तो 80 कैलोरी। हम घनत्व की बात करें तो जो द्रव है वो भारी होता है लेकिन बर्फ हल्का होता है। क्यों? जब द्रव से बर्फ बनता है तो द्रव फैलता है। क्या होता, पहले इतना में था, अब ये फैल के इतना में हो जाएगा तो ये हल्का हो ही जाएगा। हल्का होने के कारण ही पानी के ऊपर में बर्फ तैरता है। बर्फ पानी के ऊपर में क्या होता है, पानी के ऊपर में बर्फ तैरता है हल्का होने के कारण। ठंडे प्रदेशों में जहाँ पर तालाब का ऊपर पानी का ऊपरी भाग जम जाता है, झील का पानी जम जाता है, तो ऊपरी पानी, जो पानी का ऊपरी भाग वो जम जाता है लेकिन नीचे का भाग नहीं जमता है। नीचे का तापमान 4 डिग्री रहता है, 4 डिग्री रहता है, जिसके कारण नीचे मछली एकदम आराम से जीवित रह जाती है, वो जमती नहीं है, लेकिन ऊपर में बर्फ पूरा जमा हुआ है। यदि हम बात करें, ये यहाँ पर चित्र आप देख रहे हैं, यह चित्र बता रहा है कि बर्फ मतलब जल से बर्फ बनने के बाद वो फैलता है, क्योंकि सेम मात्रा में ये पानी से बर्फ बना तो ये ग्लास टूट गया। अब इसी में हम बात करेंगे साधारण जल और नमकीन जल, लवणीय जल। साधारण जल का घनत्व कम होगा लेकिन लवणीय जल का घनत्व अधिक होगा। इसी कारण यदि हम साधारण जल में नींबू डालते हैं तो वो नीचे आ जाता है, डूब जाता है, लेकिन लवणीय जल में जिसमें नमक मिला हुआ जल है उसमें नींबू डालते हैं तो वो पानी के ऊपर तैरता है। जल एक अच्छा विलायक है और इसी अच्छा विलायक कारण बहुत सारे यौगिकों को घोलने की क्षमता रखता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी घुला हुआ रहता है। एक्वेरियम जो होता है, जहाँ पर मछली घर, जो घरों में हम लोग बक्से के अंदर मछली रखते हैं, शौकीनबाज होता है, जिनके घर में ज़्यादा पैसा होता है, उन लोग क्या करता है, अपना घर में मछली घर लगा के रखता है और उस मछली घर में ये शीशे के अंदर मछली रहता है, तो ये श्वास कहाँ से लेगा। इसके लिए एक पाइप रहता है और इस पाइप से ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है और ये ऑक्सीजन जल में घुल जाता है। जल में घुलने के बाद में जो मछलियाँ हैं वो घुले हुए जल को श्वास के रूप में उपयोग करती है। तो आज का टॉपिक यहीं हम लोग समाप्त करेंगे। यदि क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे हमारे क्लास को। धन्यवाद, थैंक यू।